स्क्रीन पर जो अब आप ये जानवर देख रहे हैं, आपने उसे अपनी ज़िंदगी में कभी तो देखा ही होगा, परंतु पर अब शायद ही आप इस जानवर को कभी देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ गिद्धों की। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में तो गिद्ध आसमान में बहुत दिखते थे, परंतु अब देखा जाए तो एक का भी नामो निशान नहीं है। तो आखिरकार ये गिद्ध कहाँ चले गए? क्या ये भारत से विलुप्त हो गए हैं? तो दोस्तों, एक समय तो यह गिद्ध झुंड के झुंड दिखाई देते थे और हजारों फीट ऊपर उड़ते हुए अपनी भोजन की तलाश करते हुए यह हमें नज़र आ ही जाते थे। इनकी नज़रें इतनी तेज होती थी कि 80 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पशु या जानवर मरा होता था तो यह अपने साथियों के साथ वहाँ भोजन करने के लिए चले जाते। तो दोस्तों, प्रकृति ने इन सबको इस तरीके से बनाया है कि ये गला सड़ा मांस कैसा भी खा सकते हैं और उस जानवर की हड्डी तक पचा सकते हैं। दोस्तों, वेटियत गिद्ध एक ऐसा मात्र गिद्ध है जो 80% गोश्त साथ में हड्डी के साथ पचा सकता है। और गिद्धों का पेट का एसिड इतना तेज होता है कि हैजा और इंथेक्स के बैक्टीरिया तक को भी मार सकता है। माना जाता है जो जानवर मर जाता है उसको गिद्ध खाकर प्रकृति को साफ रखते हैं। और देखा जाए तो ये गिद्ध हम इंसानों की वजह से अब विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार से यह गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट फैक्ट्स और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो दोस्तों, 1990 के समय इन गिद्धों की संख्या 4 करोड़ के आसपास थी, परंतु अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें 95% गिरावट आई है। मतलब 95% गिद्ध अब लुप्त हो चुके हैं। हमारे भारत देश में ही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान और अफ्रीका में भी इन गिद्धों की गिरावट में बड़ा फर्क आया है। और ये दोस्तों इस कारण आया है क्योंकि जो जानवर मर जाते हैं, जैसे कि गाय और अन्य पशु, और वैज्ञानिकों का कहना है कि पालतू पशु में एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो पशु को तो स्वस्थ रखता है, परंतु जब वह मर जाता है तो यह गिद्ध उसको शिकार करते हैं और खाते हैं, तो वो इसके शरीर में जाकर इन्हें मार देता है। और दोस्तों, देखा जाए तो ऐसी कौन सी दवा है जो पशु को तो स्वस्थ रखती है परंतु गिद्धों को मार देती है? तो दोस्तों, इसके लिए सिर्फ 2 ही दवाई जिम्मेदार हैं। एक है ऑक्सिनडॉक्सिन और दूसरी है डाइक्लोफेलिक सोडियम। ऑक्सिनडॉक्सिन पशु के दूध निकालने के काम आती है और दूसरी डाइक्लोफेलिक सोडियम जो पशु के दर्द और घाव के काम आती है। और जब पशु मर जाता है तब उसके पूरे ब्लड और हड्डी और मांसपेशियों में वो पॉइजन फैल जाता है, जिस कारण जब गिद्ध उसे खाते हैं तो वह मर जाते हैं। जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो तब गवर्नमेंट ने ऑक्सिडॉक्सिन और डाइक्लोफेलिक सोडियम को बंद तो कर दिया, परंतु अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इन दवाइयों का अपनी पशुओं में इस्तेमाल करते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि गिद्धों का प्रकृति में होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गिद्ध सड़ा गला मांस जैसा भी खाकर प्रकृति को साफ रखते हैं, और जिस जानवर को ख़त्म होने में वर्षों लग जाते हैं वो गिद्ध उसे खाकर घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं, और ऐसी बहुत सी बीमारियों से हमें बचाते भी हैं। गिद्धों का पर्यावरण में होना बहुत ज़रूरी भी है, परंतु अब इनकी संख्या लाखों से हजारों में और हजारों से 150 में आ चुकी है।
और वैज्ञानिकों का अब मानना भी है 5-6 सालों में यह विलुप्त भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी गिद्ध दिखे तो उसे मारिएगा मत, क्योंकि वो पर्यावरण में बहुत अहम रोल रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।